एक कलाकार के लिए उसकी कला एक जिंदगी की तरह होती है, और कई बार वो अपनी कला को दुनिया के सामने जीवंत करने के लिए कुछ ऐसे साहसिक फैसले लेता है कि देखने वाले अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। एक ऐसा ही साहसिक कदम यूगोस्लोवाकिया देश की एक मशहूर कलाकार मरीना एम्ब्रोमोविक ने उठाया, जिसके बारे में सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, क्योंकि मरीना ने कुछ ऐसा किया जिससे दुनिया की असलियत उनके सामने आई। एक ऐसा मुखौटा लोगों का सामने आया जिसे देखकर आप शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। बस आपसे गुजारिश है कि आप ये वीडियो पूरा देखिएगा। लेकिन यदि आपने हमारा रहस्य टॉक शो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे जाकर इस लाल रंग के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में लगी घंटी को भी दबा देना ताकि हमारी वीडियो पहुंचे आप तक सबसे पहले। यूगोस्लोवाकिया देश की मरीना एम्ब्रोमोविक ने सन 1974 में इटली के नेपल्स शहर में एक अनोखा प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने रिदम जीरो के नाम से एक भूमिका अदा की। इस प्रयोग में मरीना पूरे 6 घंटे तक लोगों के सामने बिना हिले डुले एक बुत की तरह खड़ी रही। खास बात ये थी कि वहां उपस्थित लोगों के लिए 6 घंटे तक मरीना के साथ कुछ भी करने की छूट थी। मरीना के सामने एक टेबल थी जिस पर अलग अलग तरह की 72 वस्तुएं रखी थी, और इन वस्तुओं का प्रयोग लोग मरीना पर कर सकते थे। नजारा कुछ इस प्रकार का था कि मरीना एक बुत की तरह खड़ी थी और इसके पीछे एक बड़ा सा नोट चिपका था जिस पर लिखा था, टेबल के ऊपर 72 चीजें हैं, आप किसी भी चीज का इस्तेमाल करके मेरे ऊपर कर सकते हैं। मैं इस परफॉर्मेंस की एक वस्तु हूँ, मेरे साथ अगर कुछ भी गलत हुआ तो उसकी पूर्णतः जिम्मेदारी मेरी होगी, आपकी नहीं। समय रात 8 से 2 बजे। इस परफॉर्मेंस में कोई स्टेज नहीं था, उनका लक्ष्य बस इतना था कि वो देखना चाहती थी कि ऐसी स्थिति में पब्लिक किस हद तक जा सकती है। वहां रखी टेबल पर 2 तरह का सामान रखा था, जिसमें एक तरह के सामान में कुछ अच्छी चीजें थी और दूसरी तरह के सामान में विनाश कर देने वाली वस्तुएं थी, जैसे ब्लेड, रेजर, चाकू, भरी हुई बंदूक, उस्तरा आदि। पहले तो उनके करीब केवल फोटोग्राफर आए, फिर लोग आने शुरू हो गए। पहले तो केवल उन्हें देखते रहे, फिर लोग टेबल की ओर बढ़े। लोगों ने मरीना के ऊपर चीजें टांग दी, रस्सी से बांधा। एक व्यक्ति ने उन्हें ब्लेड से काट दिया, एक और व्यक्ति ने उन्हें लोडेड बंदूक खुद पर तानने के लिए कहा, एक व्यक्ति ने उन्हें नग्न कर उनका शरीर जहां तहां छुआ। लोगों को इस पर भी सुकून नहीं पड़ा, उन्होंने मरीना के शरीर में कांटे भोंक दिए। जब परफॉर्मेंस खत्म हुई, यानी 6 घंटे बाद, मरीना ने कमरे में चलना शुरू किया। हर एक व्यक्ति के पास गई, आंखों में आंखें डालकर खड़ी हो गई। वे लोग जो उनको कुछ देर पहले हैरेस कर रहे थे, अब उनकी आंखों में भी नहीं देख पा रहे थे। मरीना ने उन्हें उनके अंदर का राक्षस दिखा दिया था। मरीना ने बाद में कहा, इस परफॉर्मेंस ने यह बताया कि इंसानियत की सबसे बुरी चीज क्या है। लोग आपको असहाय पाकर आपको पीड़ा देने का एक भी मौका नहीं गंवाते। ये बताता है कि कितना आसान है कि इस इंसान को वस्तु बनाकर उसके साथ बुरा बर्ताव करना, खासकर जब वो इंसान कमजोर हो और लड़ने की शक्ति ना रखता हो। इससे पता चलता है कि अगर लोगों को मौका मिले, उन्हें राक्षस बनने में जरा सा भी वक्त नहीं लगता। ये लोग कोई और नहीं है, हम ही हैं। हम वही भीड़ हैं जो सड़क पर चलती लड़कियों के स्तन निचोड़ देते हैं, कूल्हे पकड़ लेते हैं, जो एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं, जो बेजुबान कुत्तों को मारकर जला देते हैं, जो पिटते हुए व्यक्ति का वीडियो बनाकर मजे लेते हैं, जो लोगों की कमियों पर हंसते हैं, जो किसी पॉकेट मार या शराबी को पा जाएं तो पीट पीट कर अधमरा कर देते हैं। ये हम ही हैं जो रात में चलती बस में लड़की का रेप करके उसकी योनि में रॉड घुसाकर उसको अंतड़ियों तक जख्मी कर देते हैं और उसके दोस्त को पीट कर फेंक देते हैं। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि यदि भविष्य में बीच सड़क पर हमें कोई ऐसा शख्स मिलता है जिसे हमारी मदद की जरूरत है, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए या मुंह फेर कर निकल जाना चाहिए। हमसे जमाना है यारो, हम बदलेंगे तो देश बदलेगा, नहीं तो कितने मोदी केजरीवाल आ जाएं, कुछ नहीं होने वाला जब तक हम नहीं चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।